हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू द चैनल भारत आई और जैसा कि आप जानते हैं हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं सो so हमने मेजरली सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए बस हमारा एक बचा है वो है हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में चले चलो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि एक स्प्रिंग के बारे में बात की है जिसका नाम है कैलाश झरना जो पड़ रहा है भदरवा में भदरवा कहाँ पड़ता है दोस्तों डोडा में ठीक है भदरवा हिस्सा है डोडा डिस्ट्रिक्ट का क्लियर है ठीक है यहाँ पे बात हो रही है एक झरना जिसका नाम है कैलाश कुंट स्प्रिंग ये पूछता है कि कौन सी नदी है जो मेजर सोर्स है इस झरने का तो ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं आपके सामने चनाब मारुसुदर तवी या किशन गंगा किशन गंगा तो हो ही नहीं सकती यार ये तो कश्मीर डिवीजन की तरफ है ठीक है चनाब कुड बी या कुड नॉट बी मारसुदार या तवी मारसुदार भी छोड़ दो इलिमिनेट कर दो इसको तो चनाब और तवी के बीच में कंफ्यूजन होगी है ना तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा तवी तवी मेजर सोर्स है इसpring की जो पे है 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 भदरवा में में डोडा ठीक नाम क्या है इस जगह का कैलाश कुंड चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डायनेसिटीज की बात कर रहे हैं और ये बड़ा अटपला भी होता है को याद करना ठीक है कहता है क्वेश्चन कहता है कि आपको अगर याद है कैराकोटा डायनेसिटी और छटपट से बताओ कि कौन सा रूलर याद है कैराकोटा में दैट इज हमारा ललित आदित्य मुक्ता क्या क्या बनाया उसने सन टेम्पल जो मेजरली फेमस है और क्या बनाया उसने नारा का टेम्पल उस डायनेसिटी वाले के बाद कौन सी डायनेसिटी ने अपना रूल रूलिश किया था कश्मीर में तो कैराकोटा डायनेसिटी के बाद कौन आए थे दैट इज ऑप्शन जो कहता है वो है उत्पाला देवा गुप्ता या लोहारा क्या लगता है आप लोगों को कि कौन सी डायनेसिटी थी जो कैराकोटा डायनेसिटी के बाद आई दैट इज हमारी उत्पाला डायनेसिटी और कौन फाउंडर है उत्पाला डायनेसिटी के अवंती वर्मन जिन्होंने क्या फाउंड किया था अवंतीपुरा को ठीक है जी अवंती वर्मन जो फाउंडर है उत्पाला डायनेसिटी के क्यारा कोटा डायनेसिटी के बाद आती है हमारे पास उत्पाला डायनेसिटी चले थर्ड क्वेश्चन पर थोड़ा सा पानी पीते हैं चलो हम्म क्वेश्चन कहता है उदयन देव जी किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं पिछले एमसीक्यूज जो करवाया मैंने उसमें भी हमने उदयन देव के बारे में जिक्र किया है ये डायनेसिटी पूछ रहा है किस डायनेसिटी से उदयन देव जी बिलोंग करते हैं ऑप्शन जो देता है वो है लोहारा उत्पाला देवा या चक यार कॉमन सेंस लगानी है ठीक है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगानी है उदयन देव देख लो तो किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं हमारी देव डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं उदयन देव और उदयन देव की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है जो हमने पढ़ी भी है उदयन देव लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के ठीक है सो so, उदयन देव द लास्ट हिंदू रूलर इन कश्मीर और ये किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं दैट इज दायनेसिटी से चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछता है जो डोगरी स्क्रिप्ट है इसे किस बादशाह ने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑप्शंस कहते हैं राजा जांभुलोचन राजा मालदेव राजा जोददेव या राजा शक्ति कर ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस इयर्स मैंने देखा है क्वेश्चन ठीक है सो जो डोगरी स्क्रिप्ट है ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस की है राजा जांभुलोचन तो नहीं हो सकते जम्मू शहर जम, जम ज, राजा जम्बुलोचन के ऊपर पड़ा है ठीक है राजा मालदेव भी हिस्टोरिकली बड़े इंपॉर्टेंट है पर डोगरी स्क्रिप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की है एलिमिनेट कर दो राजा जो देव तो बिल्कुल नहीं है तो जो राजा हैं जो बादशाह हैं जो रूलर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट को वो थे हमारे राजा करण तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट तत्ता पानी, एक हॉट वाटर स्प्रिंग है है ये पूछ रहा है, से फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर किस में लोकेटेड है तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शंस है रजौरी अनंतनाग पुंछ या डोडा

और क्या जानते हो रजोरी के बारे में रजोरी को कहते है हैं हम लैंड ऑफ किंग्स राजा और वर ठीक है लैंड ऑफ किंग्स भी रजोरी को बोला जाता है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो रजोरी में हमें मिलती हैं एक तो हमने पिछले भी प्रीवियस एमसीक्यू में भी किया था ठीक है सेशन में किया था धारिदर फोर्ट वो रजोरी में है जो रयून से बना था किसने बनाया था मियां हत्तु ने बनाया था मियां हत्तु कौन थे गवर्नर थे अंडर द रूलर गुलाब सिंह के अंडर थे नेक्स्ट चिंगस जहां पे हमें पता है कि ऑफ जहांगीर को दफनाया गया है ये कुछ रजौरी के है अच्छा जो शादरा शरीफ है वो भी रजौरी में लोकेटेड है तो ये मेजर जो चीजें हम मतलब आपके दिमाग में आएंगे जब आप रजौरी के बारे में सुनेंगे सो तो इस बारे में हम बात करने हैं रजौरी को कहा जाता है लैंड ऑफ किंग्स तत्ता पानी कहां पे, इन डिस्ट्रिक्ट में से लोकेटेड है रजौरी में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा बादशाह था कौन सा ऐसा रूलर था जिसने लॉज इंट्रोड्यूस किए जो प्रोहबिट करता है चाइल्ड मैरिज को और इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन को ठीक है ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने इंट्रोड्यूस किए थे लॉज जो रोकते हैं चाइल्ड मैरिज को जिन्होंने इलीगल माना और इमोरल ट्रैफिक जो वुमेन्स की होती थी उसको इलीगल मानकर यहाँ पे इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉस को इंट्रोड्यूस किया तो इसमें से ऑप्शंस आते हैं हमारे पास ये सारे डोगरा रूलर्स हैं महाराजा गुलाब महाराजा हरि सिंह महाराजा रणबीर या महाराजा प्रताप सिंह तो जिस रूलर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था ना उसी ने लॉज बनाए थे रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज एंड वुमेन ट्राफिकिंग के लिए दैट इज आर लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जिन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन आर्मी एंड ही मेड जम्मू कश्मीर अ पार्ट ऑफ इंडिया चले नेक्स्ट ओके संध्या धर एंड नसीरा अख्तर गॉट विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स फ्रॉम प्रेजेंट ऑफ इंडिया 2022 में 2022 में दो लोग हैं जिनका नाम है संध्याधर ये सोशल एक्टिविस्ट है एंड नसीरा अख्तर ये इनोवेटिव इनवायरमेंटलिस्ट है इनको इंडिया से मिला था 2022 में किस कौन सा अवॉर्ड मिला था तो इनको जो अवॉर्ड मिला था वो था नारी शक्ति अवार्ड प्रपोज ये 2020 में ही हो गया था बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन की वजह से इनको दो में ये अवार्ड मिला था चलो लेक गंगा बल लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ किसके फुटहिल्स पे लोकेटेड है लेक लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ क्या है इसका राइट आंसर हैमवर्क है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. है तोस मैदान को क्या कह कहा गया है इसको और किस नाम से बुलाया गया है कमेंट सेक्शन पे बताना माउंट हार के फुटहिल्स पर है मे बी माउंट महादेव बिल्कुल नहीं अफरवत कहाँ पर है माउंटेन गुलमर्ग में ठीक है गुलमर्ग कहाँ पर है बारामुला में ये इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं पर जो लेक गंगाबल है ना वो फुट हिल्स ऑफ माउंट हारमुख पर सिचुएटेड है लोकल नेम ऑफ सैफरन क्या है वॉट इज द लोकल नेम ऑफ सैफरन इज इट कुंग बुने तेल या ऑल ऑफ द गिवन तो सैफरिन को केसर को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है दैट इज द राइट आंसर इज कुंभ ये पता है सैफरिन कहां पे सबसे ज्यादा है किस सैफरिन को जीआई टैग मिला है दैट इज द पामपुर लैंड ऑफ सैफरिन ठीक है जी सैफरन दो जगह पे मिल रहा है जम्मू कश्मीर में जैसा कि हमने पढ़ा पामपुर और किश्तवाड़ राइट एंड पामपुर के सैफरन को क्या मिला दैट इज जी आई टाग मिला है क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में केसर को कुंक नेक्स्ट क्वेश्चन लेक ऑफ जम्मू कश्मीर महाभारत से एसोसिएटेड है सो इज इट वुलर लेक नहीं महाभारत से वुलर तो एसोसिएटेड नहीं है पर वुलर का एक फैक्ट ये है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक है ठीक है सो so, वुलर नहीं डल लेक तो विसिनिटी ऑफ श्रीनगर में है ये महाभारत से एसोसिएटेड नहीं है मानस बल को मानसरोवर लेक का डेरिवेटिव माना जाता है और गांधरबल में पड़ती है और ये डीपेस्ट लेक भी मानी जाती है बट महाभारत से एसोसिएटेड नहीं है महाभारत क्या है हिंदू क्रॉनिकल है ठीक है सो so, महाभारत से एसोसिएटेड है जो लेक वो है हमारी सुरिंसर लेक जो जम्मू डिवीजन में पड़ती है मानसर लेक के साथ ही आती है सुरिंदर लेक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पहले चीफ मिनिस्टर के कौन थे गुलाम मोहम्मद सादिक, सिंह, महाजन या शेख अब्दुल्ला? तो दोस्तों ध्यान से सुनना जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वो है हमारे गुलाम मोहम्मद सादिक करण सिंह थे हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेहरचंद महाजन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ जम्मू कश्मीर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे महाजन लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे गुलाम मोहम्मद सादिक और यही फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर बने थे शेख अब्दुल्ला आपके कौन थे फाउंडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन्हें शेर कश्मीर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के ओके वेरी इंपॉर्टेंट ये ना पिछले एमसीक्यू सेशन में कुछ लोगों ने लिखा भी था निशान बाग जिसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है इसे डिजाइन किसने किया था तो बेटा अगर आपके पास रूलर्स में ऑप्शन आता है ना तो रूलर जहांगीर है क्योंकि उनके अंडर ये हुआ था अगर इन्होंने पर्टिकुलरली अगर इसमें आपको ऑप्शंस में से आसिफ खान दिख जाते हैं ना तो आप जाएंगे आसिफ खान के साथ डिजाइन एक्चुअली निशाद को किया था आसिफ खान ने रूलर उस टाइम पे अंडर द रेन जहांगीर ही थे आसिफ खान थे कौन? साला थे जहांगीर साहब के ठीक है ये भाई थे नूर जहां के जो बीवी थी जहांगीर की ठीक है तो निषाद का डिजाइन आसिफ खान ने किया था अगर ऑप्शंस में आसिफ खान दिखते हैं तो टिक करिएगा आसिफ खान को अगर ऑप्शंस में आसिफ खान मेंशन आउट नहीं किया ना उन्होंने और रूलर्स मेंशन किए तो जहांगीर को टेक करिएगा नेक्स्ट है किस रूलर ने जम्मू कश्मीर के स्टार्ट किया था बहुत फेमस हमारा रघुनाथ टेंपल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेंपल ठीक है स्टार्ट की थी Complete नहीं पूछ रहा स्टार्ट कह रहा है तो जो कंस्ट्रक्शन है रघुनाथ टेम्पल की जो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है कितने लोगों को यहाँ पर खींचता है ये ठीक है। सिटी में ये पड़ता है ये टेम्पल ठीक है इसे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की थी हमारे फर्स्ट डोगरा रूलर दैट इज महाराजा गुलाब सिंह और क्या याद आता है गुलाब सिंह के बारे में ट्रेडी ऑफ अमृतसर याद आई लाख ,00 की अंग्रेजों और के बारे में गवर्नर इनके याद आ गए ठीक है महाराजा ये याद आ गए कि जम्मू कश्मीर के पहले कंसोलिडेट किया रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन तो खत्म किसने की दैट इज इट वॉज कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह अगर तो क्वेश्चन सीधा पूछता है जेके एस एस बी हुए टेम्पल दिस रघुनाथ टेम्पल तो रणबीर सिंह आएंगे ठीक है अगर पूछता है कि किसने स्टार्ट की तो गुलाब सिंह आएंगे क्लियर है नेक्स्ट चले वंत कागजी और बुर्जुल किसके वराइटीज हैं ये किस किस चीज की वराइटीज को कहते हैं इज इट एप्रिकॉट नहीं नाम से ही नहीं लग रहा पता है कैसे अगर कागजी देखोगे ना तो कागजी क्या होता है अखरोट है ना उसके ऊपर वो जो ग्रीन रिंग कागजी अखरोट राइट सो so, यहां से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है

और बसोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट्स ऑफ डैश जिन्हें अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला वो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो मस्क जो राइस हैं वेरी पॉपुलर राइस ऑफ कश्मीर इट इज बीइंग सेड जब वेडिंग होती है इनकी तो जो ये महाराजा साहब को देते हैं मतलब दूल्हे को खिलाते हैं राइस में, तो में, में उस साल में इस्तेमाल करते हैं ये महाराजा साल में ठीक है और जो बसोली ये पश्मीना बोलन प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो राइट आंसर टू दुश्क जो राइस है वो है हमारे अनंतनाग से कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग से और बसोली पश्मीना बोलन प्रोडक्ट है हमारे कठुआ से जम्मू डिवीजन के कठुआ से जिन्हें मिला जी आई टैग नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस रूलर को डिफीट करके मुगल्स कश्मीर में आ गए मुगल जो स्थापना हुई वो हुई थी बाबर और हुमायूं ठीक है बाबर ने की उनके बच्चे हुमायूं फिर आगे लिगेसी चलती रही ठीक है ये याद रखना ना बाबर यहाँ आया ना हुमायूं यहाँ पर कुछ इसका कोई लिंक मिला हमें कश्मीर से जो एम्पर मुगल एम्पर जो बहुत इंटरेस्टेड था Uh, इसके साथ के इसके साथ uh, कश्मीर के साथ वो था हमारा अकबर ठीक है अकबर ने गवर्नर भेजा जिसका नाम था कासिम खान के भी लिख सकते, सकते हो कासिम खान जिसने डिफीट किया था याकूब शाह चक को राइट और वहां से मुगल डायनेसिटी की स्थापना होती है कश्मीर रीजन में तो ये डिस डायनेसिटी को मुगल्स ने हराया था वो थी हमारी चक चलो डांस फॉर्म्स के बारे में यह हम अलग से करेंगे फॉर शो कहते हैं किस डांस फॉर्म बाय द पीपल ऑफ वाल्टल ट्राइब करती है वाल्टल ट्राइब है जो ये डांस फॉर्म करती है कुछ स्पेशल ओकेजन पे और ये उस टाइम पर ना एक कलरफुल क्रॉनिकल कैप्स ही पहनती है कुछ लटकना लटकता है उस कैप्स के ऐसे कुछ ना ये क्रॉनिकल कैप है और यहां से कुछ घुघरू से लटक रहे होते हैं ठीक है ये वाल्टल ट्राइब है जो ये कॉस्ट्यूम और ऐसी कैप पहनती है तो ये कौन सी डांस कौन सा नृत्य ये कर रही होती है सो so, बेंथे बेंथे रोफ या कुद। देखो बेंथे जो है ना वो करते हैं बकरवाल और बकरवाल ठीक है तो ये डांस फॉर्म है बकरवाल्स की ठीक है गुजरजन बकरवाल रोफ जो है रोफ हाँ वो आपको याद होगा वो कश्मीरी वुमेन करती है जब वेडिंग्स होती है तो कश्मीरी वुमेन करती हैं ठीक है चीके? रोफ वेरी पॉपुलर राइट कुद क्या है इट्स डांस फॉर्म जो लोग देवता को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है बाय द पीपल ऑफ जम्मू डिवीजन के लोगों को तो जो वाल्टर ट्राइप करती है ना वो करती है डांस फॉर्म द राइट आंसर इज तुमहल राइट चले नेक्स्ट के बारे में हारुत इज द लोकल नेम किस सीजन का लोकल नेम है हारुत ठीक है जो ऑफ कश्मीर वैली इज इट रेनी नहीं इज इट विंटर बिल्कुल नहीं स्प्रिंग में नहीं हारुद लोकल नेम है हमारे ऑटम सीजन का बहुत ब्यूटीफुल सीजन होता है ठीक है कश्मीर में ये काफी आ, आप डिस्क्रिप्टिवली देख सकते हैं आ, जब पत्ते गिर रहे होते हैं और वो गोल्डन गोल्डन टर्न ओवर करते हैं सो so, हारुद सीजन उसे कहा जाता है इवन के हारुद फेस्टिवल्स भी लगते हैं तो हारुद लोकल नेम है ऑटम सीजन का लास्ट क्वेश्चन है शेख नूरुद्दीन नुरानी जिन्हें आलम कश्मीर नंद ऋषि कहा गया था कहते हैं उनके जो श्राइन है चरारे शरीफ उसे बिल्ड किसने किया था इट शाहजहां सुल्तान सिकंदर सुल्तान जैन या सुल्तान शमसुद्दीन तो जो चरारे शरीफ है जो जियारत कहाँ पे लोकेटेड है बड़गाम में ठीक है और चरारे शरीफ से थोड़ी दूर क्या आता है एक बहुत सा ब्यूटीफुल मेडोर पेस्टर का घर आती है जगह जिसका नाम है यूसमर जिसे मेडोर जीजस कहते हैं तो ये जो चरारे इस जियारत के बारे में हम बात कर रहे हैं जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब रज की जियारत इन्हें आलमदार कश्मीर या नंद ऋषि भी कहा कहते हैं इन्होंने मेजरली इन्फ्लुएंस इनकी फिलोसफी ने मेजरली इन्फ्लुएंस किया है कश्मीर वैली को राइट right? ये जो जियारत थी इसे बिल्ड किया गया था बाय अकबर ऑफ कश्मीर दैट इज नोन एज सुल्तान जैन आबदीन जो बिलोंग करते हैं किसको जो बिलोंग करते हैं शामीरी डायनेसिटी को सो विद दिस हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन जम्मू कश्मीर को कवर अप करने की कोशिश की है इसके बाद हम लोग लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर को कवर करेंगे एंड देन वी विल सी द अदर वीडियोस एक्सक्लूसिव वीडियोस रिगार्डिंग अदर टॉपिक्स ठीक है सो आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन एंड बाय बाय